हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने USDNR का एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी क्रिएट करने वाला हूं। जी हां फ्रेंड, उस स्ट्रेटजी का नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड NSE डेरिवेटिव के बहुत स्टॉक्स एंड स्क्रिप्ट में इंस्ट्रूमेंट में आपने ये स्ट्रेटजी क्रिएट किया होगा, बट मैं आज आपके सामने USDNR में ये स्ट्रेटजी क्रिएट करने वाला हूं। जी हां, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, ये एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है फ्रेंड। जब भी मार्केट किसी रेंज में सेटल होने वाला हो, किसी रेंज में बंद होने वाला हो ऑन एक्सपायरी, तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग किस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो एंड किस तरह के रियलिस्टिक फैक्ट्स पे आपके सामने अभी तक वीडियो लेते आए हैं एंड हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है आपसे छुपा भी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, तो प्रॉफिट में रहने के लिए, अपने फंड को कंपाउंड करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में बेसिकली हमने चार डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस दिए हैं, ठीक है फ्रेंड। एंड जो हमने सेल किया है इसमें एट द मार्केट का कॉल एंड एट द मार्केट का पुट सेल किया है। एट द मार्केट 82.75 एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्राइस जो USDNR का करेंट अभी चल रहा है वो है 82.76। हमने जो एक्सपायरी लिया है, नेक्स्ट एक्सपायरी ली है, ये करेंट एक्सपायरी हमने नहीं लिया है। यहाँ पे सारे के सारे जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो 3 मार्च का हमने लिया है एंड सभी में फ्रेंड हमने लॉट साइज इस स्ट्रेटजी में सेम लिया है जो कि है 100 का, करेक्ट। इस स्ट्रेटजी में हमने ये सारे क्राइटेरिया लिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि आखिर आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी होता क्या है एंड USDNR में आप लोग इजिली इसे इंप्लीमेंट कर सके। यहाँ पे हमने दो जो स्ट्राइक प्राइसेस लिए हैं एट द मार्केट का कॉल एंड पुट, जो कि एक्सपायरी डेट सेम है एंड लॉट साइज सेम है, उसको हमने सेल किया है 82.75 का। हमने फिर बाय किसे किया है, जस्ट आउट ऑफ द मार्केट का। अगर 82.75 से एक स्ट्राइक प्राइस डाउन जाते हैं तो हमें मिलता है 82.5 का स्ट्राइक प्राइस पुट, जिसको हमने बाय किया है सेम एक्सपायरी विद सेम लॉट, 100 लॉट, करेक्ट। कॉल के केस में भी हमने वही किया है, 82.75 से जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है 83 का स्ट्राइक प्राइस, 3 मार्च का 100 लॉट हमने बाय किया है। सो यहां पे क्लियर विजिबल है कि एट द मार्केट का दो स्ट्राइक प्राइसेस सेल किए हैं एंड हमने आउट ऑफ द मार्केट का दो स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया है। प्रीमियम की बात करें तो आउट ऑफ द मार्केट का ऑब्वियसली प्रीमियम काफी कम होता है। सो यहाँ पे जो हमने आउट ऑफ द मार्केट का कॉल एंड पुट लिया है उसका प्रीमियम पुट का जो है 8.5 पैसे अप्रॉक्स है एंड कॉल का जो है वो 12.5 पैसा अप्रॉक्स है। एट द मार्केट का हमें पता है कि प्रीमियम सबसे हाई होता है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, करेक्ट। तो जब भी हम लोग ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करेंगे, ये स्ट्रेटजी हम लोग बैकटेस्ट करने जाएंगे तो अपने पास कुछ इस तरह का पे ऑफ ग्राफ निकल करके सामने आएगा। इस ग्राफ को बोलते हैं पे ऑफ ग्राफ। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सर्टेन पॉइंट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है एंड ये पॉइंट फ्रेंड अप्रॉक्स 82.75 का है, ठीक है। अगर इसे हमें पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे आकर के हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लगभग 82.7 पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देख सकते हैं, 82.75 पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। नाउ अब हम लोग आते हैं एंड डिस्कस करते हैं अपने PNL ग्राफ को। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट जो है अपने पास वो है ब्रेक इवन पॉइंट 82.55 से लेकर के 82.95, जो कि ये रेंज है एंड इस रेंज में हम लोग रहते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है वो है अप्रॉक्स 82.75 का, ठीक है। इस रेंज के बाहर जाते हैं तो हमें लॉस देखना पड़ सकता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है अपने पास वो 30% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि अपना क्राइटेरिया है उससे 5% कम है, जिसको अभी हम लोग बेहतर बनाएंगे। जब बेहतर बनाएंगे तो यहाँ पे अपने पास 1:4 का लगभग RR रेशियो है, ये रेशियो इम्पैक्ट होगा एंड ब्रेक इवन पॉइंट में भी चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट जो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्राफ है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा एंड POP भी हमारा बढ़ जाएगा, बट
आपको पता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई होता है वहां पे आरआर रेशियो से थोड़ा बहुत हमें मैनेज करना पड़ता है। सो यहां पे आते हैं एंड हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, यहाँ पे 82.5 है, इसको हम लोग थोड़ा सा दूर लेकर के चलते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस एंड कॉल का भी एक स्ट्राइक प्राइस। एंड यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आरआर रेशियो में हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, जो रेंज है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब प्रॉफिट का रेंज जो है अब 82.44 से 83.06 तक का रहेगा, ये रेंज है पूरा का पूरा। एंड अपने पास जो फ्रेंड पीओपी है वो लगभग लगभग 45% का पीओपी देखने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल रहा है वो ये पॉइंट है एंड वो प्राइस है 82.75। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है जहाँ पे हमें 30,000 का प्रॉफिट ऑन एक्सपायरी देखने के लिए मिल रहा है एंड यहाँ पे भी 30,500 का हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो 82.75 पे अगर 3 मार्च को सेटल होता है तो हम लोग 82.75 पे मैक्सिमम 30,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये है एक सैंपल स्ट्रेटजी, ये फुल्ली टेक्निकल बेस्ड है, आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, आप ओपन इंटरेस्ट पे भी जा सकते हैं, प्लस आप टेक्निकल एनालिसिस पे भी जा सकते हैं, सपोर्टिंग रेजिस्टेंस का पता लगा करके ये पता लगा सकते हैं कि एक्सपायरी किस प्राइस पे होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओपन इंटरेस्ट का अपना सेमिनार नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशली ऑन USDNR, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड ग्रुप एक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जहाँ पे क्लियरली मेंशन है टू ज्वाइन ओपन इंटरेस्ट सेमिनार, ज्वाइन दिस ग्रुप, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अपना प्रीमियम ग्रुप है जिसमें हम लोग USDNR का हर मंथ में 12 से 16 स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए भी हमारा कॉल व्हाट्सएप नंबर आप तक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा मिल जाएगा, एंड उस पर कॉल मैसेज करके वो प्रीमियम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा बेसिक सा स्ट्रेटजी, आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इससे एडवांस स्ट्रेटजी देखेंगे, उसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, थैंक यू सो मच फ्रेंड।